हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे रॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो भुवनेश्वर। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ एक बेहद 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 खास गेस्ट है। ऑल आई कैन से अबाउट हर इज शी इज प्रिटी, शी इज ऑसम, एंड बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू यू विल गेट टू नो दैट शी इज प्रिटी ऑसम। विद मी आई एम हैविंग अ वेरी टैलेंटेड सिंगर सॉन्ग राइटर शीतल गुप्ता। सो हाय शीतल, व्हाट्स अप? हाय रॉय, हाउ आर यू? आई एम गुड, ऑल वेल बाय माय साइड। हाउ हैव यू बीन? बस घर पे रह रहे के लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। आप जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट हम लोग मिल नहीं पा रहे रिमोटली, तब काम चल रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं बताइए। आई नो यार, बहुत इट्स बीन रियली टेरिबल। कोविड ने तो बहुत ही शोन अस डिफरेंट फैसेट ऑफ लाइफ। क्या कर सकते हैं, अब तो नया रुख दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी का नया रुख दिखाया है। और बट अभी हम सब में से किसी को भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। विल हैव अ वेरी एंटरटेनिंग इंटरव्यू। सो शीतल, यू आर अ सिंगर सॉन्ग राइटर, राइट? बट ये म्यूजिक का जो चस्का लगा आपको, ये कब हुआ? ये कब डिसाइड किया कि यार नहीं, म्यूजिक मतलब मेरे को डांस नहीं करना, मेरे को एक्टिंग नहीं करना, मेरे को म्यूजिक ही करना है। रॉय, देखो ऐसा है कि वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट। बिल्कुल। सो वो कहते हैं ना कि वो पालने में पूत के पाँव नजर आ जाते हैं, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक दैट विद मी। सो आई थिंक आई वाज बोर्न एन आर्टिस्ट, और बचपन से ही आई वाज वेरी मच इनटू सिंगिंग एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग। बहुत लोगों को ये शायद पता नहीं है कि अगर मैं सिंगर नहीं, इफ आई वाज नॉट अ सिंगर, तो मैं शायद आई वुड हैव बीन अ डांसर। अच्छा। बिकॉज हाँ, बिकॉज दैट वॉज अ ह्यूज पैशन। बट क्या था कि मैं, मेरे जो फादर हैं, ही इज फ्रॉम द पैरामिलिट्री, तो ही रिटायर्ड DIG, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बड़ा स्ट्रिक्ट सा था हमारे घर में। तो डांसिंग एंड सिंगिंग ना, लाइक अब जो माहौल है डांसिंग और सिंगिंग को लेके, इंडियन आइडल एंड डांस इंडिया डांस एंड ऑल दैट, वो सब नहीं था ना, नॉट काइंड ऑफ एक्सपोजर वॉज देयर। तो हमारे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो बड़ा स्ट्रिक्ट सा था, एंड इस प्रोफेशन को बहुत, यू नो, इट वाजंट रियली अ लुक्ड अप टू प्रोफेशन। पीपल, लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, टीचर बन जाओ, यही दो चार कुछ प्रोफेशन होते थे। बट देन आई थिंक मैं, आई वॉज इन टू सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर एवर। आई मीन जब आंख खुली तो तब से मुझे यही याद है। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट। बिल्कुल। एंड ग्रोइंग अप एज अ डिफेंस किड, लाइक जो बोलता है ना, वो एक अलग ही माहौल होता है उस चीज का। मतलब आपके जो डिफेंस कॉल, आई बिलीव आप डिफेंस कॉल में बड़ी हुई होंगे, बिकॉज योर डैड वाज इन आर्म्ड फोर्सेस। सो लाइक आपने, टेल अस समथिंग अबाउट योर ग्रोइंग इयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस हॉबी थिंग, लाइक हाउ वाज? सो ग्रोइंग इयर्स वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं, एंड आई एम द यंगर वन, वी आर टू सिस्टर्स। अच्छा, लाडली घर की? हाँ, घर की लाडली नहीं, लाडला। सो नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो हिंदी में बात करना जो है ना, मेरा आता हूँ जाता हूँ कम्स फ्रॉम देयर ओनली। अच्छा। हाँ, बिकॉज आई वॉज द टॉमबॉयश पर्सन ऑफ माई हाउस, और डिफेंस बैकग्राउंड, तो स्पोर्ट्स से लेके स्लिदरिंग, जिसे कहते हैं, डू यू नो व्हाट स्लिदरिंग इज? हेलीकॉप्टर से नीचे रोप पकड़ के आना। अच्छा, राइट राइट राइट। तो वो सब, और रॉक क्लाइंबिंग करना, एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, बहुत स्पोर्टी चाइल्डहुड रहा मेरा। और एंड आई वाज सो टॉमबॉयश कि मेरा, मेरे बोलने में भी आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ जो है ना, वो इतना इंग्रेन हो गया है अब, कि अब अगर मुझे कहीं नहीं बोलना है तो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। नहीं तो मैं हिंदी बोलूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। लाइक दैट। नहीं नहीं, आपकी हिंदी की जो व्याकरण है वो बहुत सही है। मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी हम लोग काम चला लेते हैं। तो एनीवेज, तो लाइक ग्रोइंग अप इंस्पिरेशन कौन था म्यूजिक में? हम सब लोग किसी ना किसी को आइडलाइज करते हैं, तो आपका ऐसा कोई आइडल रोल मॉडल? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आइडल था, नहीं है आज भी। मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ व्हेन आई हियर गीता दत्त सिंगिंग। अरे, शी हैज बीन अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं क्यों, बट उनके जो गाने हैं, देखिए अगर देखा जाए तो लता जी और आशा जी हैव बीन फिनोमिनल, ऑफ कोर्स, यू नो, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, जितने भी आप, ये हैव बीन स्टॉलवर्ट, बट समहाउ गीता दत्त के जो सॉन्ग्स है ना, उसका जो एक्सप्रेशन है, और वो समहाउ इट जस्ट स्टक विद मी, वो मेरे साथ, मतलब वो आज तक है, इट इज स्टिल देयर। तो वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रही है मेरे लाइफ में, मेरे सिंगिंग में ऑल्सो।
बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम स्टेज पे जब आपने गाना गाया था तो क्या आपने गीता दत्त जी का ही गाना गाया था या फिर कुछ याद है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस? फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस आई थिंक यस, मैंने अगर प्रोफेशनली कहा जाए तो प्रोफेशनली मैंने एक मिक्स्ड बैग सा परफॉर्मेंस दिया था फर्स्ट स्टेज शो प्रोफेशनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बचपन में, नहीं बचपन में तो स्कूल में जो करते हैं ना, तो स्कूल में तो यू सिंग ऑल काइंड ऑफ प्रेयर्स एंड यही सब गाए जाते हैं दिल दिया मोस्टली। है जहां भी देंगे है वतन तेरे लिए उस तरह के गाने सब। हाँ उस टाइप के सॉन्ग्स। और हमारे यहाँ तो बिकॉज माई फादर वॉज इन दी फोर्सेज, तो हर 3 साल हम एक नई जगह जाते थे, तो हाँ वहाँ का जो लोकल गाने होते थे ना, तो वो हम बहुत वी यूज टू रिप्रेजेंट दैट लोकल्स के लिए, वो बहुत गाए जाते थे। तो मैंने बड़े मुख्तलिफ भाषाओं में अलग अलग सॉन्ग्स गाए हैं। आई नो अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस ऑल्सो। अरे आई वाह डोंट नो बट मैंने गाया है उसमें सॉन्ग, तो जैसे गढ़वाल के सॉन्ग हैं या यू नो क्योंकि वी वर ऑलवेज पोस्टेड ऐसी जगहों पर, जैसे पिथौरागढ़ नीर थी, पहाड़ों के सॉन्ग्स हैं, तो वो सब बड़ा हम गाते थे। एंड फर्स्ट प्रोफेशनल शो व्हेन आई डिड एज अ सिंगर, सो आई थिंक मेरा ओपनिंग सॉन्ग ही शायद बाबूजी धीरे चलना था। अच्छा सो कौन सा गाना दैट इज मुझे तो वन पता ऑफ, ही नहीं जब तक तो गा के नहीं सुनाओगे तो फिर। अच्छा रियली रॉय बीइंग फ्रॉम वेयर यू आर, और अगर बाबूजी धीरे चलना नहीं पता तो कैसे आरजे हो आप, जब आप जब नो तक बट आप आई विल सिंग फॉर सुनाओगे यू। नहीं तो या आई एम गेटिंग द हिंट, डोंट वरी। सो द सॉन्ग गोज लाइक, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं राह में, बाबूजी धीरे चलना, दैट वन। तो मतलब इतना प्यार से गाओगे तो बाबूजी धीरे नहीं जल्दी से भाग के आ जाएंगे तुम्हारे पास। बट एनीवेज तो मतलब बहुत प्यारा गाया आपने। सो लाइक इस तरह का मतलब ये थी प्रोफेशनली सिंगिंग करने तक का सफर। बट जो इंटरेस्टिंग बात जो आपके जर्नी में मुझे लगी इट वाज कि आप बॉम्बे आई काफी लेट आई एंड आपका जो करियर पीक किया काफी लेट किया, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि लोग जब फैमिली हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं उसके बाद लोग अपने हॉबी से जरा सा पिछड़ जाते हैं कि यार आई एम टू मच कंफर्टेबल अंडर माई स्किन एंड वो कंफर्ट जोन से निकलते नहीं। वो निकलना बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है जो आपने किया है, तो उस बारे में हमको जरा बताइए। सो रॉय मेरी शादी हुई एट अ यंग एज, एज हार्डली आई थिंक व्हाट 21 22 व्हेन आई गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम देहरादून। और यहाँ आके आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय हस्बैंड एंड टुक अ सबैटिकल, वापस अपने म्यूजिक से कनेक्ट किया मैंने। एंड देन यू नो द जर्नी वेंट ऑन। आई यहाँ पे दिल्ली में बेस बनाकर आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ शोज, तो मैंने यहाँ पर भी अब्रॉड भी बहुत सारे शोज किए, स्टेज शोज, और बहुत अच्छे लेवल पे किए। मतलब कि वी यूज टू गेट यू नो लवली ऑडियंसेस एंड ऑल ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी अटेंडिंग आर शोज, बहुत अच्छा अरे था। नहीं बट अल्टीमेटली एंड जितने भी दिल्ली में आई थिंक चैनल्स थे, आई फीचर्ड मोस्टली ऑन ईच चैनल हियर। अरे सही है। लेकिन फिर ये लगा कि जब इतना कुछ कर ही रहे हैं, सो दैट पैशन ड्राइव यू यू नो, तो मुझे लगा दैट आई शुड एक बार जाके देखना चाहिए जरूर बॉम्बे। बिकॉज उसके पीछे भी देर इज वन ह्यूज रीजन रॉय, वो ये है कि यू नो एज एन इंडी आर्टिस्ट, अगर आप यू नो व्हेन यू टिल टिल द टाइम यू आर सिंगिंग अदर पीपल सॉन्ग्स, है ना, आप लोगों के गाने आप गा रहे हैं और शोज कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को पॉपुलर गाने सुनना पसंद है, तो एज एन आर्टिस्ट आप खुद के कुछ गाने गाना चाहते हैं। यू नो एन बिल्कुल आर्टिस्ट वॉन्ट्स टू सिंग हिज और हर ओन सॉन्ग, तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और दूसरी ये कि हम कितना भी कुछ कर लें, जब तक आपके कोई भी सॉन्ग किसी फिल्म के प्लेटफॉर्म से नहीं आते, तो उसको उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाती। बिल्कुल बिल्कुल यू बिल्कुल अंडरस्टैंड, इट इट डज नॉट यू नो द फिल्टरेशन टू द मासेज इज मच ग्रेटर व्हेन यू हैव संग अ फिल्म फिल्म सॉन्ग सॉन्ग। हाँ थोड़ा आई एम रियली सॉरी बट इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर, बट ऐसा ही है, दिस इज हाँ वॉट ये इट इज। अब शायद कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इंडी म्यूजिक इज रियली कमिंग अप, एंड आई रियली रियली होप कि ऐसा हो, बिकॉज देर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट बहुत सोलफुल हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, यू नो देर हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू शो केस देयर टैलेंट।
तो एक ये बहुत बड़ी चीज थी कि बॉम्बे जाएंगे तो भाई बॉलीवुड से अगर कोई सॉन्ग आएगा तो इन्फिल्ट्रेशन मार्केट में जल्दी होता है. दैट वाज वन थिंग कि यू कैन मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. नहीं तो लोग आप कहीं जाके बताएं कि ओके आई एम सिंगर शीतल गुप्ता हु. सो यू नो इट बिकम्स अ इतना काम करने के बाद इफ पीपल आर आस्किंग हु देन इट बिकम्स अ लिटिल या इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड अनफेयर फॉर एन आर्टिस्ट एज वेल. बट जो बात आपने कही कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो स्तर था, बिकॉज मैं आई एम अ 90s किड, आई एम प्रीटी श्योर यू आर आल्सो अ 90s किड, यू आल्सो ग्रो अप इन 90s. तो 90s का जो दौर था इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, जैसे शानुदा के गाने आते, पहला ये पहला, के शान, सोनू निगम, ऑल दिस, अली चाचिनॉय, ये सब जो गानों का जो दौर था, वो कुछ समय बाद वो खो गए वो गाने. मतलब अभी फिर से वो रिवाइव हो रहा है, वो सिंगल्स वाला दौर आ रहा है फिर से. बट तभी मेरी अभी हाल फिलहाल, मेरी अभी हाल फिलहाल में राम संपत सर से बात की, जिन्होंने अनगिनत गाने बनाए इंडिपेंडेंट में भी, तन्हा दिल और जितने भी शान के जितने भी गाने थे. तो उन्होंने एक बात कही मेरे को कि हम लोग उस समय श्योर थे कि अगर हम अपना गाना निकाल रहे हैं तो ये गाना टीवी एंड रेडियो से बजेगा. बट आज के दौर में उस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है. तो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप लोग किस तरह से काम करते हो, आप किस तरह से कोशिश करते हो कि ये गाना बहुतों तक पहुंचे? बस यूट्यूब पे डाल रहे तो नहीं होता. सो हाउ डू यू प्रमोट योर कंटेंट? तो देखो ऐसा है रॉय कि यू नो पीपल लाइक यू, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर बीइंग काइंड इनफ कि आप रेडियो पे ये प्ले करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे इसको. Right, people like you, there are a lot of people like you who have come forward and who recognize such artists. OTT platforms बहुत सारे आ गए हैं अब, जैसे कि मेरा जो latest song है तकती है राहे has been taken up by Eros. हाँ, तो वो song आ चुका है, it has garnered good response, अच्छा response मिला है उस गाने को. तो इस टाइप से OTTs हैं या you know other platforms, social media के अपने फायदे भी हैं, तो वहां पे हम कर पाते हैं. बट अगर मैं ये कहूँ कि यू नो द नेशनल रेडियो चैनल विल प्ले या तो दैट बिकम्स यू नो यू हैव टू रियली परस्यू इट. एंड क्योंकि उन लोगों को क्या है, दे आर मोर इंटरेस्टेड प्लेइंग फिल्म सॉन्ग. हाँ, वो संघर्ष अलग है वहां पे, है ना? बिल्कुल, वो एक अलग ही संघर्ष है. और कहीं डीप डाउन ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट, आपको ऐसा लगने लगता है कि यार हम पहले तो इतनी मेहनत करते हैं, हम गाना बनाते हैं अभी, यू नो यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग द वीडियो, यू आर कॉन्सेप्ट भी आप बनाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, देन यू रियली फील कि यू नो व्हाट डू यू डू इट फॉर योर पैशन, कि भाई लोग अप्रिशिएट करें, लोगों को लोग सुने उसको जो हमने क्रिएट किया है. और वो अगर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता देन इट बिकम्स यू नो अ लिटिल डिसहार्टनिंग. बट नेवर द लेस आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं ना, बहुत आशावादी होते हैं तो बोल लगे रहते हैं अपना काम करने. So that is the whole thing. हाँ, ये ठीक है कि I think I have been blessed and lucky कि you know in spite of COVID times इतना कुछ चल रहा है. तो 2020 में मेरा फिल्म सॉन्ग रिलीज हुआ, अभी फिर एक मल्टी आर्टिस्ट सॉन्ग आया था जो दूरदर्शन ने भी you know he दूरदर्शन played it far and wide. हाँ, वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए. और अब ये तकती है रहा है एरोस से आ गया. So all in all I think you know gratitude to the Lord ki acha hi raha mere liye, it was good and I really hope ki sabke liye acha rahe. You know pandemic has been very troublesome though. Correct. But jaise ki aapne bataya ki aapke gaane independently bhi release ho chuke hain, film mein Varun Bhanupriya jo film thi Urvashi Rautela ke sath wahan pe bhi ek aapka song tha. To jab dono cheez jaise aapne khud hi segregate kar diya ki film mein gaoge to uska response alag hota hai, इंडिपेंडेंटली आप गाओगे, इंडिपेंडेंटली गाना रिलीज करोगे तो उसका रिस्पांस अलग होता है. तो उस आपको जो उस समय जो रिस्पांस मिला जब एरोस के साथ आपका गाना आया और जब वो उर्वशी राउटेला की फिल्म में आपने गया, बिकॉज उर्वशी इज अ स्टार, मतलब शी इज ग्लैमरस, वो Z5 के प्लेटफॉर्म पे भी आया था वो गाना, तो इन दोनों गानों के रिस्पॉन्स में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? रिस्पॉन्स एक तो पहली बात ये है रॉय की दे आर टू डिफरेंट, बहुत ही अलग सॉन्ग्स हैं, तरह के गाने हैं. बिल्कुल हाँ, तो वर्जिन भानुप्रिया का जो सॉन्ग है वो सौरव वैभव का म्यूजिक है उसमें और पंजाबी फील है उस गाने में, है ना? तो इट इज अ वेरी अपबीट डांस नंबर. तो अभी शादियां बोलो या कहीं बोलो तो वो मतलब इट इज अ सॉन्ग विच हैज मेड इट्स प्लेस परफॉर्मेंस सॉन्ग के बोलते हैं शोज में गाने वाले. हाँ, इट्स लाइक दैट. एंड तकती है राहे ऑन द अदर हैंड हैज क्लासिकल टच टू इट,
इट इज लूजली बेस्ड ऑन दिस थिंग यमन राग, और उस इसके सुनने वाले अलग हैं. देयर आर यू नो एक अलग ही ऑडियंस है जो इस टाइप के गानों को पसंद करती है. एंड विद द काइंड ऑफ कंटेंट जो आजकल सुनने में आ रहा है, कुछ बहुत मेलोडियस भी है तो कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स हैं जो कब आए कब गए, यू डोंट कम टू नो. तो उसको देखते हुए आई थिंक तकती है राहें हैज गार्नर्ड गुड रिस्पॉन्स, और बिजनेस स्टैंडर्ड में फीचर, दे गेव अस अ फीचर ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड, दे रोट अबाउट द सॉन्ग. हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए. और काफी काफी प्लेटफॉर्म्स ने इसके बारे में बात करी. एक तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत अच्छी बात करी रॉय. आई रियली लाइक द वीडियो. हाँ, बिकॉज उसमें हमने एक मेल पर्सपेक्टिव दिखाया कि एवरी टाइम द गर्ल इज नॉट वेटिंग फॉर द मैन. तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि भाई एक तो जो लड़का है उसका प्रोफेशन जो है, बिकॉज ही इज अ कथक एक्सपोनेंट, तो ही इज इनटू डांस, कथक एक्सपोनेंट है. एंड उनकी उनकी जो लेडी लव है या जो भी पार्टनर बोले, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. एंड इट वाज आल्सो अ ट्रिब्यूट टू द कोविड वॉरियर्स, बिकॉज जो डॉक्टर्स कई महीनों तक घर नहीं आ पाए थे, तो उनके लाइफ को लेके हमने ये सॉन्ग उस कॉन्सेप्ट पे बनाया था, दैट द हस्बैंड इज वेटिंग एंड द वाइफ इज आउट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा एरोस को भी, एंड दे रियली रियली प्रेज्ड मी फॉर इट. एंड दे सेड कि वी लव द कॉन्सेप्ट बिकॉज पेड़ों के आसपास दौड़ के गाने तो सभी गा लेते हैं. सो दिस वाज, सो दैट इज एग्जैक्टली दोज वर द वर्ड्स विद द सेड. पेड़ों के आसपास दौड़ के सभी गा लेते हैं, वो पता है हमको. बट ये वाला जो गाना है वो कैसे गाता है? अच्छा, आपको मतलब हर चीज सुन के आप सुनिए, लॉग इन करिए. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए. ऑफ कोर्स मेरे लिए, मेरा तो एक एडवांटेज होता है ना कि मैं आर्टिस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब फ्री में कॉन्सर्ट के मजे लूटता हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. तो दिस सॉन्ग गोज लाइक दिस. तकती है राहें मोरी अखियां, तकती है राहें मोरी अखियां, कब आओगे कहो सजना, कब आओगे कहो सजना, तकती है राहें मोरी अखियां. दिस इज हाउ इट गोज. दैट्स एन अमेजिंग सॉन्ग. मुझे तो ये गाना बहुत ही पसंद है. आई एम प्रीटी श्योर जो लिसनर अभी सुन रहे हैं उनको भी गाना पसंद है. और आप लोग एरोस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, आप लोग ये गाना सुन सकते हो. बट आप पे अवेलेबल है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शीतल, ये जो एरोस हो गया, जी हो गया, आई गेस द सॉन्ग इज फ्रॉम जी म्यूजिक आई बिलीव. बट ये सब ब्रांड्स हो गए, मतलब एक जो कोई रिलेटिवली न्यू कमर है उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है. बट आई डोंट थिंक आपकी जो जर्नी रही बॉम्बे में वो इतनी इजी नहीं रही होगी. मतलब रातों रात आपको ये दो गाने नहीं मिलेंगे. इससे पहले भी आपने बहुत काम किया होगा, बहुत कोशिश की होगी, तो उस स्टोरी के बारे में बताइए हमको. रॉय, देखो ये तो ऑनगोइंग जर्नी है यार. सो व्हाट आई थिंक इज कि हम जो काम कर रहे हैं, बहुत जैसे हम शोज करते थे पहले, औरों के गाने गाते थे. देन वी आई ऑल्सो स्टार्टेड कम्पोजिंग लेटर इन लाइफ. जैसे ये तकती है राहें मैंने खुद कम्पोज किया. इससे पहले एक सॉन्ग आया था कैसे मतवारे, वो एक अलग सॉन्ग था विच वॉज अगेन कम्पोज बाई मी, एंड इट वॉज ऑल्सो बेस्ड लूजली ऑन राग बिलावल. तो मेरा ना ये आई थिंक आई गेट ड्रॉन टू दीज अर्दी सॉन्ग्स, जो मेरा खुद का अपना पर्सनल, हाँ मेरा जो खुद का पर्सनल सोल है वो शायद उस तरफ ज्यादा जाता है. Because I kind of really relate to these songs. I do sing other, मतलब जैसे music directors अलग अलग गाना बुलाते हैं, मैं आऊँगा. वो सब I like to sing and experiment and सबके साथ जो वो चाहते हैं. Because a good singer is somebody who can deliver. कि भाई आप जो music director मांगते हैं वो आप दे सकें अगर. तो I try my 110% to give that. I enjoy singing that also, but soul meri jo hai, it goes towards these kind of earthy numbers. Bilkul. Aur soulful gaano ke baare mein agar aap baat kare to aapka ek gaana mere jo dost hai Tridev, unhone ek baar mere ko share kiya tha, PR Angrez kuch tha gaane ka naam, bahut hi pyara gaana tha. Ha ha ha, that is another song. Unki jo lyricist hai वो एक्टर है स्निग्धा पांडे, एंड शी हैज ब्यूटिफुली पेंड द सॉन्ग, बहुत अच्छा. और उनसे मुलाकात हुई तो शी सेड कि शीतल आई हैव डन दिस, एंड मैंने ना एक कॉम्पोजिशन सा रफ बनाया है, आप उसको
यू नो कैन यू वर्क ऑन इट. तो फिर मैंने उसको मैंने बोला ओके यू टेल मी व्हाट यू हैव रिटन, आपने क्या लिखा है और सुनाओ मेरे को बेसिकली व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड. तो उन्होंने अपना एक शेयर किया मुझे कि ऐसा मेरा माइंड में ऐसा ट्यून है और ये है, उसको आप ब्रश अप, बिकॉज शी इज नॉट अ सिंगर सिंगर, तो उन्होंने बोला कि आप इसे ब्रश अप करिए. तो उसे हमने ब्रश अप करके फिर बनाया था एंड शूट करके वी हैड पुट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वो भी आपको यू विल फाइंड इट ऑन ऑल गाना सावन स्पॉटिफाई इन सब दिन अवेलेबल है वो सॉन्ग भी सुनने के लिए. दैट इज अनदर ब्यूटिफुल नंबर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड एक और बात पे आपने रोशनी डाली कि आप खुद कंपोज करती हैं और यू ऑल्सो सिंग फॉर अदर्स, बट आज नहीं, आज तो मैं ये नहीं बोलूंगा, बट 5 साल पहले 10 साल पहले ये सुनाई देता, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू म्यूजिक सुपरविजन, आई ऑल्सो सुपरवाइज म्यूजिक. तो जिस भी सिंगर से आप बात करो, किसी भी बात करो, तो वो बोलते थे कि यार अगर कंपोजर को पता चल जाएगा कि मैं कंपोज कर रहा हूँ ना, आई एम ए कंपोजर, तो मेरे को बुलाते नहीं थे. इनसिक्योरिटी भरी हुई थी इंडस्ट्री में. तो आज का दौर क्या है, मतलब आज आपको लगता है कि लोग थोड़े से ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि अगर आप फिल्म में नहीं कर रहे हो म्यूजिक तो आपको वो लोग बुलाते हैं? हाउ इज द सीन लाइक? यार ऐसा है देखो कि मैं ना आई रियली हैवंट रियली बॉदर्ड मच अबाउट दीज थिंग्स. आई फॉलो माई हार्ट एंड डू व्हाट आई डू. अगर मेरे कंपोजर में से किसी को परेशानी है तो आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस देम ऑल्सो. बट आई मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि कंपोजर हूँ मैं तो किसी का यू नो कोई काम आई विल इंटरफेयर विद, किसी के काम में इंटरफेयर करेंगे. बट वो आई गेस जब एक कंपोजर होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप किसी और का कंपोजिशन गा रहे हो, सिंस यू आर अ कंपोजर, तो आपको भी वो कंपोजिशन की रूह समझ में आती है एंड वो इजी हो जाता है थोड़ा सा प्रोसेस, एम आई राइट? इजी. इट्स अ वेरी नाइस मैसेज एंड यही तभी रीत है जैसा कि आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था. सो या दैट्स हाउ इट इज. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस चैट एंड होप टू सी यू सून. एंड आई होप कि अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग जब इंटरव्यू करेंगे, हम लोग आमने सामने बैठ के करेंगे. बिल्कुल परफेक्ट. लुकिंग फॉरवर्ड. लुकिंग फॉरवर्ड. या चलो.